नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं शिवपुरी के मेडिकल कॉलेज में। गुरुवार को हाल ही में MBBS की परीक्षा का रिजल्ट घोषित हुआ है, जिसमें से शिवपुरी के मेडिकल कॉलेज में अध्ययनरत मेहर अजहर ने, जो कि भोपाल की निवासी हैं, उन्होंने प्रदेश में टॉप किया है। इनसे खास बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस तरह अभी तक का इनका सफर रहा। सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट समाचार में। थैंक यू। क्या बेसिक नॉलेज आपकी कि 10th 12th और कहाँ से किया आपने? आप बेसिक भोपाल से निवास करते हैं। जी मैं मतलब जो मेरा होम टाउन था, जो मतलब मेरे पापा जहाँ के थे वो आष्टा के थे। उसके बाद मैं मतलब 12th में और एक साल के ड्रॉप के प्रिपरेशन के लिए मैं भोपाल आई। उसके बाद से मैं भोपाल में ही हूँ और मैंने अपनी 10th और 12th तक की जो स्टडीज़ हैं वो पुष्पा सीनियर सेकेंडरी स्कूल से करी है, CBSE से करी है। और उसके बाद फिर एक साल के ड्रॉप के बाद मैं मुझे ये श्रीमंत राज माता विजय राजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया था। फिर उसके बाद मैंने यहीं से अपना MBBS कंप्लीट किया है। लगातार आपकी रुचि पढ़ाई के प्रति ज़्यादा झुकाव रहा आपका? 10th और 12th में भी आपने, जहाँ तक हमें जानकारी लगी है, कि आपने टॉप किया है। फिर आप लगातार MBBS में भी आपने प्रदेश में परचम ले रहा है शिवपुरी के मेडिकल कॉलेज का। कितने अंक प्राप्त किए और किस तरीके से तैयारी रही आपकी? मैंने MBBS में 1103 अंक प्राप्त किए हैं 1400 नंबर में से, और ये MP का हाईएस्ट स्कोर है। सो मैं बहुत खुश हूँ और मेरे घर वाले और सारे फैकल्टी, सारे टीचर सब बहुत खुश हैं। और इसकी प्रिपरेशन का ऐसा है कि मैं स्टार्टिंग से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर हमेशा मतलब मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट है। ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे बहुत अपने आप को फोर्स करना पड़ता है पढ़ने के लिए, मुझे खुद ही पढ़ाई में इंटरेस्ट है। तो हमेशा से एक जिस तरह से पढ़ा जाता है वैसे मैंने अच्छे से प्रिपरेशन की। और फिर फाइनल ईयर में भी ऐसा था कि स्टार्टिंग से ही मैंने थोड़ा थोड़ा करके करा, और फिर लास्ट के जो 3 महीने थे उनमें मैंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की। तो बस वो सारा जो भी मेहनत थी उसकी मुझे सक्सेस मिल गई और बस यही है। अच्छा, फैमिली डिटेल में, फैमिली में कौन कौन है और भाई या बहन है, तो क्या वो अभी भी किस मेडिकल लाइन में है क्या? हाँ। या अलग लाइन में है? जो मेरे भाई हैं वो उन्होंने भी MBBS कंप्लीट कर लिया है, उनकी इंटर्नशिप अभी इसी ईयर ख़त्म हुई है। और जो मेरी बहन है उनका BDS कंप्लीट हो गया है, तो वो प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट हैं। आगे की क्या प्लानिंग है कि MBBS में भी आपने टॉप, मतलब प्रदेश में शिवपुरी का मेडिकल कॉलेज का परचम ले रहा है, आगे की क्या प्लानिंग है आपकी? आगे की मतलब मुझे अभी तो इंटर्नशिप करूँगी, उसके बाद कोशिश यही रहेगी कि इंटर्नशिप के साथ साथ PG की प्रिपरेशन करूँ, और जो पहला ही अटेम्प्ट होगा उसमें PG का एग्ज़ाम क्लियर करने की पूरी कोशिश रहेगी। और उसके आगे मुझे MD मेडिसिन करना है, और या तो फिर मैं ऑब्स गायनी में से कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करूँगी। ये मैंने अभी डिसाइड नहीं किया, एक बार जब मेरी पोस्टिंग दोनों सब्जेक्ट्स में हो जाएगी फिर वहाँ पर मुझे जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा और मुझे ऐसा लगेगा जहाँ जिसमें मैं ज़्यादा अच्छा कर सकती हूँ मैं उस सब्जेक्ट को चूज करूंगी। अच्छा, किसे सिरे देना चाहेंगी ये सब सफलता के पीछे? घर वाले, टीचर्स वगैरह? जी सबसे पहले तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा है इसमें, मतलब मेरा पूरा जो जर्नी है उसमें ऊपर वाले का बहुत बड़ा हाथ है। उसके बाद फिर मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, सारे लोग, मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिंग है और सब कुछ सबने बहुत सपोर्ट किया। उसके बाद स्पेशली अपने जो कॉलेज के डीन सर हैं डॉक्टर KB वर्मा सर, उसके अलावा सारी जितनी भी फैकल्टीज़ हैं, फाइनल ईयर की फैकल्टीज़, इनफैक्ट फर्स्ट ईयर से लेकर सारी फैकल्टीज़ बहुत सपोर्टिंग रही हैं। बहुत उन लोगों ने हमेशा सपोर्ट किया है, बहुत अच्छे से क्लासेस भी बहुत अच्छे से ली हैं हमेशा। मतलब हम लोगों को, मतलब एक नया कॉलेज है लेकिन ऐसा लगता था कि यार पता नहीं कैसी पढ़ाई होगी, क्या होगा जब आए थे, लेकिन यहाँ आके पता चला कि नहीं, यहाँ की पढ़ाई तो कई पुराने कॉलेजेस से भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ के जो फैकल्टीज़ हैं वो काफ़ी मेहनती हैं, फाइनल ईयर की फैकल्टीज़, मेडिसिन, सर्जरी, सारे टीचर्स, डॉक्टर रितेश यादव सर, डॉक्टर प्रियंका बंसल मैम, और HOD सर्जरी ऑफ HOD डॉक्टर आनंद राकोंडे सर, और डॉक्टर शिखा जैन मैम, इन सब लोगों ने बहुत मतलब एज अ HOD बहुत सपोर्ट किया है सारे स्टूडेंट्स को। इसके अलावा जितने भी प्रोफेसर्स हैं सबको, मतलब सबको इस चीज़ का क्रेडिट जाता है, सबने बहुत सपोर्ट किया और बहुत अच्छे से एक गाइडेंस दिया जिसकी वजह से ये सक्सेस पॉसिबल हो पाई है। कहीं कुछ लगा कि कहीं बाधा उत्पन्न हो रही है, कहीं कुछ समस्या आ रही है आपको पूरी 10th 12th और अभी MBBS के दौरान? MBBS में अभी जैसे फाइनल ईयर की अगर मैं बात करूँ तो मेरा जो अभी के स्टूडेंट्स हैं उनको ये एक वो है कि आप मतलब थोड़ा सा बुक्स की तरफ ज़्यादा रहें। मुझसे ये गलती हो गई थी कि मैंने बुक्स बहुत बाद में पढ़ना स्टार्ट की थी, जिसकी वजह से मुझे एंड
सेकेंड एंड में बहुत कॉन्फिडेंस मेरा कम हो गया था, तो मतलब ऐसा है कि आप बुक्स थोड़ा सा स्टार्टिंग से पढ़ते रहें तो वो आपको अच्छा रहेगा, ठीक है। आप मतलब अगर मैरो या कोई भी ऐप से आप प्रिपेयर करते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन साथ में आप बुक्स को साथ में लेके चलें। मुझसे ये गलती हुई थी कि मैंने बुक्स थोड़ा सा बाद में स्टार्ट करी थी, तो उसका मुझे बाद में थोड़ा सा दिक्कत हुई थी, लेकिन ठीक है वो कवर हो गया था। बट मेरी मतलब मेरा यही है कि एक ये मुझसे गलती हुई थी, तो वो गलती आप ना करें। और बाकी ऐसा है कि और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब मतलब स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें तो वो एंड तक हो जाता है। तो ये थी भोपाल की मूलतः निवासी और शिवपुरी के मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करने वाली मेहर अजहर, जिन्होंने अभी हाल ही में गुरुवार को जो MBBS की परीक्षा का रिजल्ट घोषित हुआ है उसमें प्रदेश में शिवपुरी के मेडिकल कॉलेज का परचम लहराया है।